हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द लेक्चर सीरीज ऑफ 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम यूनिट 5 का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। यूनिट 5 जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो यूनिट 5 में हम मेनली दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो बीओपी के बारे में, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जो कि इस यूनिट का नाम है। और इसी यूनिट में हम एक्सचेंज रेट डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज रेट। तो इस पार्ट वन में हम ये तीन टॉपिक मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन मीनिंग और ये बीओपी क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, कि अकाउंट जो है वो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है हर एक एलिमेंट्स को, और ठीक है, और कौन सा अकाउंटिंग जो सिस्टम है यूज होता है। एंड द थर्ड एंड लास्ट जो पॉइंट्स है इस पार्ट वन का वो है कंपोनेंट ऑफ बीओपी, जिसमें हम करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2, 3 और 4 जो है वो कम्प्लीटली अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये यूनिट 5 है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम पार्ट वन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, द गवर्नमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ द नेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब हमें पता है कि हमारी अगर इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 1991 में एलपीजी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें से जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई थी, ओपन इकोनॉमी हो गई थी। यानी कि हम एक तरीके से, यह हमारे जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जब इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ओपन हो जाती है, या इकोनॉमी को जो ओपन किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन किया जाता है, तब उनके बीच में जो ट्रेड होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो ट्रेड होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे देश और दूसरे देश के जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके बीच में, तो उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। और इसी ट्रांजेक्शन को, दिस रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन इज नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसी ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड किया जाता है जिस अकाउंटिंग में, या जो अकाउंट बनाया जाता है, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। सो द ट्रांजेक्शन्स कैन बी द ट्रांजेक्शन्स कैन बी बोथ फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। अभी ये जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, ये इसमें क्या हो सकता है, इसमें फैक्टर पेमेंट्स भी की जा सकती हैं, यानी कि आपने कुछ चीज़ें मतलब सेल की, ठीक है, और या परचेज की, तो आपने पेमेंट की या आपको पेमेंट मिली, तो ये तो हो गया फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट भी की जा सकती है, यानी कि आपने इन कंसिडरेशन भी कुछ भी नहीं दिया, फिर भी आपको कुछ चीज जो है वो रिसीव हो रही है या आप पे कर रहे हो, जैसे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन में ये दोनों दोनों पेमेंट जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीओपी भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, तो हम इसे हम बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड द समराइजेस ऑल द ट्रांजेक्शन दैट अ कंट्रीज, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, गवर्नमेंट बॉडीज कंप्लीट विद इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड द गवर्नमेंट बॉडीज आउटसाइड द कंट्री। यानी कि हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ की कंपनीज जो हैं, जो ट्रेड करती हैं दूसरे देश के लोगों से, दूसरे देश की कंपनीज से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो द बीओपी रिकॉर्ड्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब हम जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है दो देशों या दो से दो अधिक देशों के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो करेंसीज होंगी, अब हमें पता है कि अगर दो कंट्रीज हैं तो हर एक कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज होती हैं। तो अगर मान लेते हैं ए जो है वो, एक तरीके से मान लेते हैं इसकी कंट्री करेंसी जो है वो इंडियन रुपीज है, और जो बी है उसकी करेंसी जो है वो डॉलर है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, इन दोनों के बीच में, तो ये क्या करेंगे, इसकी करेंसी जो है वो यहाँ फ्लो होगी और इसकी करेंसी जो है वो यहाँ फ्लो होगी, ठीक है। तो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं
तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उसके इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का अकाउंट होता है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, अब हम कुछ चीज़ें बेच रहे हैं तो इनफ्लो होगा, यानी कि जब पैसा आता है तो उसे इनफ्लो बोलते हैं और जब पैसा जाता है तो आउटफ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज आया या गया देश से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज अ मेजर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, और ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने देखा था कि इकोनॉमिक वेरिएबल जो है वो फ्लो भी हो सकते हैं, यानी कि फ्लो कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं और स्टॉक कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है मेजर किया जाता है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो एट अ पार्टिकुलर पॉइंट टाइम जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हर एवरी ईयर जो है वो क्या होता है, मेजर किया जाता है, इसीलिए ये एक फ्लो ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक तरीके का क्या होता है, एक अकाउंट होता है जिसमें हम दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि फर्म जो कंपनीज होती हैं उनका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे P&L अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। तो ये अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, ये अकाउंट जो डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सिमिलरली कंट्रीज जब ट्रांजेक्शन्स करती हैं, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करती हैं किसी दूसरे देश से, तो वो जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं हम, उस रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। सो द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स इन द डबल एंट्री बुक सिस्टम। डबल एंट्री बुक सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हर एक एंट्री की दो साइड होंगी, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। और हमें और डबल एंट्री की खास बात यह है कि दोनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि डेबिट में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्रेडिट में भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। द ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द कंट्री रिजल्ट इन अ क्रेडिट एंट्री एंड डेबिट एंट्री इक्वल साइज, ठीक है। ऑल द रिसीट्स आर एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड, यानी कि जितनी भी इनकम हमें जनरेट होगी, रिसिट्स का मतलब होता है कि जितनी पैसा आया हमारे पास, ठीक है। तो पैसा आया का मतलब हम यहाँ पर इनफ्लो भी लिख सकते हैं, तो जितने भी टाइप के इनफ्लो होंगे दूसरे कंट्रीज से जो आ रहे हैं उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वेयर एज ऑल पेमेंट्स आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड, और जितनी भी पेमेंट की गई है, पेमेंट का मतलब होता है पैसा देश से बाहर गया है, तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज जो है बाहर गया है यानी कि आउटफ्लो किया है उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो दो साइड होती हैं, पहले अगर आप BOP अकाउंट देखोगे तो BOP अकाउंट में भी सिंपल होता है, ये मान लेते हैं ये डेबिट साइड है और ये है क्रेडिट साइड, ठीक है, आप किसी साइड भी लिख सकते हो। तो डेबिट साइड में क्या होता है, जो भी पैसा आता है, सॉरी जो भी पैसा जाता है, तो जितनी भी टाइप्स की पेमेंट्स होंगी, या ऐसे बोल सकते हो जितने भी टाइप्स का आउटफ्लो होगा जहां पर पैसा जा रहा है तो वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जहां पर पैसा आ रहा है यानी कि रिसिप्ट है, इनकम है कंट्री की, ठीक है, और या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इनफ्लो बोलते हैं, ठीक है, पैसा जो आ रहा है। तो अगर रिसिप्ट या इनफ्लो है तो इसे क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, और डेबिट साइड में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पेमेंट की गई हो या पैसा बाहर गया हो, आउटफ्लो हुआ हो, ठीक है। एंड द डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम्स आर एंटर्ड इन द माइनस साइन एंड प्लस साइन रिस्पेक्टली। अब क्रेडिट का मतलब देखो क्या हुआ कि पैसा आया है तो इसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और डेबिट डेबिट साइड में पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है, तो इसको इसीलिए हम इसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एज अ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग, सो द थियोरेटिकली द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा कि आपस में बराबर होते हैं, तो प्लस पॉइंट जितना होगा उतना ही माइनस पॉइंट होगा, तो इसका मतलब आप अगर इनको जोड़ देते हैं तो इक्वल में क्या होगा, जीरो होगा। सो द BOP अकाउंटिंग मस्ट ऑलवेज बैलेंस, यानी कि क्रेडिट और डेबिट साइड क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं इसमें।
इट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ द डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ द क्रेडिट्स, ठीक है. एंड द सिक्स पॉइंट इज द प्रैक्टिकली हाउएवर देयर माइट बी एन एरर ऑफ द सम डिग्री ड्यू टू द डिफरेंट सोर्स ऑफ द डाटा फ्लक्चुएशन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट. अब करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से, क्योंकि उसमें डे टू डे या मिनट टू मिनट जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी कुछ बहुत चेंजेस आ सकते हैं. हो सकता है क्रेडिट जो है वो कुछ प्लस या नेगेटिव पॉइंट्स और डेबिट के कंपैरिजन में, तो इसमें कुछ शॉर्टेज आ सकती है, ठीक है, कुछ एरर्स आ सकते हैं. और इस जो एरर्स आते हैं उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, एरर एंड ओमिशन में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. सो द बैलेंसिंग आइटम एरर एंड ओमिशन मस्ट बी एडेड टू द बैलेंस ऑफ द पीओपी अकाउंट, ठीक है. लेट सपोज करते हैं कि डेबिट अकाउंट में 200 का अमाउंट है, डेबिट में डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को सीआर से, ठीक है. ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है, तो इसका मतलब 200 का आउट 200 को जो 200 का अमाउंट जो है वो आउटफ्लो हुआ है. अब मान लेते हैं ये 201 है, ये 200 का एक क्रेडिट हुआ है, तो ये तो आपस में बराबर होनी चाहिए. तो इसका मतलब जो एरर और ओमिशन का जो एक पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, वो प्लस में, यानी कि यहाँ एक आ जाएगा और फिर ये भी 201 हो जाएगा और ये भी 201 हो जाएगा, ठीक है. ये आपस में बराबर है, यानी कुछ गलती हुई, कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ डाटा हमारे पास नहीं आ पाया, जिसकी वजह से इनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, एक का आ गया. तो ये जो एक का डिफरेंस आया जो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ये बड़ी मुश्किल होगी फाइंड आउट करने में, तो इसलिए हम इसे एरर और ओमिशन की हेडिंग में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे बीओपी अकाउंट्स बैलेंस हो जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड में, ठीक है. कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसमें हम कंपोनेंट्स देखेंगे. तो दो कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट. या बोल सकते हो कि बीओपी के अंदर दो अकाउंट और बनाए जाते हैं, पहला करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में ये चार पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, ए बी सी एंड डी. पहला पार्ट है वो विजुअल आइटम्स है. तो विजुअल आइटम नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऐसे आइटम्स जो देखे और छुए जा सकते हैं, फिजिकल आइटम्स, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पर किन ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे, यहाँ पर हम ओनली गुड्स की बात करेंगे, ठीक है, गुड्स ओनली, यानी कि जो फिजिकल गुड्स होते हैं उसकी बात करेंगे. अब हम ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरे देशों से जो गुड्स में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो या तो बाय हुए होंगे या सेल हुए होंगे, ठीक है. अगर बाहर देशों से सेल हुए हैं तो इसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, बाहर देशों को अगर हमने सेल किया है और बाय किया है तो इसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं. तो इसका मतलब विजिबल आइटम्स में जो गुड्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स से रिलेटेड, ओनली ओनली गुड्स से रिलेटेड. इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. जैसे सर्विसेज में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में क्या होता है, जो वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे किसी कंट्री ने गिफ्ट किया, किसी को ग्रांट किया, ठीक है. तो ये ऐसे आइटम्स, या किसी बाहर में रहने वाले जो इंडियंस हैं उन्होंने पैसा भेजा, ठीक है, रेमिटेंस किया, रेमिट किया, तो वो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, वो जो पैसा इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर में इंक्लूड होगा, ठीक है, अगर गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स हैं तो ये करंट अकाउंट का पार्ट होता है. डी जो है फैक्टर इनकम है, जिसमें फैक्टर इनकम जैसे इंटरेस्ट, आपने किसी बाहर देश को लोन दे रखा है या गवर्नमेंट ने दे रखा है, ठीक है. रेंट हो गया, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने आपने रेंट पे लगा रखा है तो उससे रेंट इनकम आ रही है, रेंटल इनकम. या फिर आपने बाहर किसी देश में इन्वेस्ट कर रखा है किसी कंपनीज में, तो उससे डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है. तो ये सारे जो फैक्टरी इनकम होते हैं ये डी पार्ट है, जो कि करंट अकाउंट में इंक्लूड होते हैं. अब ये करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती हैं या वो इनफ्लो और आउटफ्लो इंक्लूड होते हैं, जिससे गवर्नमेंट की जो असेट्स और लाइबिलिटी होती है वो इम्पैक्ट नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखना, वो इम्पैक्ट नहीं होती है. दूसरी बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की. तो कैपिटल अकाउंट में पहला जो पार्ट है वो है बोरोइंग या लेंडिंग का. तो इससे क्या होता है कि बोरोइंग यानी कि गवर्नमेंट अगर किसी दूसरे देश को बोरो कर रही है, उधार दे रही है लोन, और लेंडिंग का मतलब होता है कि कोई बाहर देश वाला जो है वो हमें लोन दे रहा है, ठीक है. सॉरी, बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना हो गया, और लेंडिंग का मतलब होता है उधार देना. ये उधार हो गया देना और ये है लेना, ठीक है. तो जब बोरो करते हैं हम, उधार लेते हैं, तो और जब हम किसी को उधार दे रहे हैं, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट माना जाता है, ठीक है.
दूसरा इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम अब्रोड। इन्वेस्टमेंट टू यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड कर रहे हैं, बाहर हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर बाहर से कोई फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट माना जाता है। अब अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, आपने सुना होगा FDI और FFI, ठीक है, इसे हम आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो पार्ट है वो है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कभी क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट यानी कि बैलेंस पे पेमेंट जो है वो इक्वल नहीं होता है, तो या कैपिटल अकाउंट या जैसे होता है हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया जिसकी वजह से घाटा होना स्टार्ट हो गया, तो वो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, और RBI के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है तो उसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी किसका पार्ट माना जाता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट माना जाता है, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में याद रखना कि कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीज़ें जो हैं बोरोइंग लेंडिंग इन्वेस्टमेंट या फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, ये गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। जैसे गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेंगी, लैंड कर रही है तो असेट्स बढ़ती है, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है तो असेट्स बढ़ेंगी, पर अगर गवर्नमेंट के यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो असेट्स क्या होती है, कम हो जाती है अगर FDI कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम पहले बात करेंगे करंट अकाउंट की। सो तो करंट अकाउंट में जो पहला पार्ट था वो था विजिबल आइटम्स। तो विजिबल आइटम्स जो है दिस इज नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो विजिबल आइटम्स में कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं, गुड्स की ओनली जो विजिबल है, ठीक है। और इसमें हम गुड्स के जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन विजिबल आइटम्स में इंक्लूड की जाती है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होगा गुड्स का वो इंक्लूड किया जाएगा। द बैलेंस ऑफ दिस विजिबल ट्रेड नोन एज द ट्रेड बैलेंस। अब देखो ये जो ट्रेड होता है विजिबल आइटम्स में इसको हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस में क्या होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया और फिर जितना हमने इम्पोर्ट किया उसको अगर उसके डिफरेंस को अगर देखा जाए तो जो वैल्यू आएगी वो ट्रेड बैलेंस होगी, ठीक है। तो इसमें हम ऐसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो गुड्स से रिलेटेड है। देर इज ए ट्रेड डेफिसिट वेन इम्पोर्ट्स आर हायर। इम्पोर्ट्स अगर ज्यादा हो गया तो देखो ट्रेड बैलेंस कैसे निकल आता है। देखो ट्रेड बैलेंस का मतलब हो गया कि ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे ट्रेड बैलेंस को, तो ये एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट होगा, ठीक है। और अगर इम्पोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से तो इसका मतलब घाटा हो रहा है, क्योंकि इम्पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम चीजें खरीद रहे हैं और पैसा जा रहा है ना, तो आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। तो जब आउटफ्लो ज्यादा होता है, आउटफ्लो यहाँ क्या है ज्यादा है इनफ्लो से, तो घाटा होगा, ठीक है। तो जो ट्रेड होगा वो क्या होगा, डेफिसिट में होगा। एंड ट्रेड सरप्लस में क्या होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इम्पोर्ट से, किसके, गुड्स के से, ठीक है। तो विजिबल आइटम्स में से गुड्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, कंसिडर किया जाता है। दूसरे पार्ट में है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज आती हैं, तो सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स होंगे उनको यहाँ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ नेट एक्सपोर्ट ऑफ द इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द सर्विसेज। अब नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट इसका मतलब एक्चुअल में हमने कितना सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट की है, तो ये कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट। जैसे अभी हमने यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट निकाला था विजिबल आइटम्स का, जिसको एक और नाम दिया था हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो ये भी कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अभी इनविजिबल आइटम्स में जो सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज हो गई, शिपिंग, IT, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, तो उसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होंगे उसको कंसिडर किया जाता है इनविजिबल आइटम्स में। थर्ड जो पार्ट है वो है यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉड अब्रोड। यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रोड का मतलब होगा कि यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे हमारे देश ने किसी बाहर देश को गिफ्ट दिया, ग्रांट दिया, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये नॉन फैक्टर पेमेंट कहलाती हैं। या फिर किसी बाहर देश ने हमारे देश को गिफ्ट किया, तो दीज रेफर्स टू द पेमेंट दैट आर नॉट फैक्टर पेमेंट, जो फैक्टर पेमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स हो गया, डोनेशंस हो गई, सेंड टू द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री बाय नॉन रेजिडेंट रिलेटिव्स। लेट सपोज करते हैं कि आप इंडिया में रहते हो और आपका आपके जो ब्रदर हैं वो US में रहते हैं, तो US से जो इनकम होगी वो क्या करेंगे, अपने फैमिली को रेमिट करेंगे इंडिया में। तो ये जो पैसा आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, वन साइडेड है। बी जो है वो पेमेंट कर रहा है पर इसके बदले ए जो है उसको पेमेंट नहीं करेगा, तो ये क्या है, ये वन साइडेड पेमेंट्स हैं। तो जो रेमिटेंसेज होते हैं वो भी किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, रेमिटेंसेज
वो भी यूनिलैटरल ट्रांसफर की में किए जाते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट है वो है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। सो दीज इंक्लूड्स द फैक्टर पेमेंट्स एंड रिसिप्ट, दीज आर जनरली रेंट ऑन प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेट सपोज करते हैं कि आपने आपकी प्रॉपर्टी है फॉरेन कंट्रीज में, तो आप उसे रेंट पे दे रखे हो, तो आपको क्या इनकम जनरेट होगी? रेंटल इनकम जनरेट होगी। या आप किसी कंपनीज में पैसा लगा रखे हो तो कैपिटल गेन होगा अगर शेयर बेचते हो, या डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। या फिर आपने किसी को लोन दे रखा है, या गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है, या गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उससे जो डिविडेंड और जो इंटरेस्ट पेमेंट आती है वो किसका, वो किस में इंक्लूड होता है? वो इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में इंक्लूड होता है, यानी कि फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है, फैक्टर इनकम, ठीक है। सो तो बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट कैसे निकाला जाता है? क्योंकि देखो, करंट अकाउंट में चार आइटम्स इंक्लूड होते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल, यूनिलेटरल और इनकम, फैक्टर इनकम, ठीक है। अब इन चारों आइटम्स में हमने देखा कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो पैसा आया तो इनफ्लो है, पैसा गया तो आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, ठीक है। पैसा आया तो आउट इनफ्लो है, आउटफ्लो है, तो इसमें क्या करते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में पैसा हमारे पास कितना आया देने के बाद, कितना बचा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नेट अमाउंट बोलते हैं या नेट बैलेंस बोलते हैं, ओके। सो जैसे यहाँ पर जो था ये नेट एक्सपोर्ट था, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब हुआ पैसा आया है, इनफ्लो हुआ है, और इम्पोर्ट का मतलब हुआ पैसा जो है वो आउटफ्लो हुआ है, पैसा गया है, क्योंकि इम्पोर्ट में हम सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है ना, पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकालेंगे, जब इन सभी के नेट को जोड़ देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कहलाएगा। सो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट एक्सपोर्ट और गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है, विजिबल आइटम्स का नेट हो गया, इनविजिबल आइटम्स का नेट जो बैलेंस है उसका हो गया, यूनिलेटरल का हो गया, ट्रांसफर पेमेंट्स का हो गया, तो इसको अगर जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होती है। अब हम कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। सो द कैपिटल अकाउंट इज यूज टू फाइनेंस द डेफिसिट इन द करंट अकाउंट एंड ऑब्जर्व द सरप्लस इन करंट अकाउंट, द थ्री मेजर्स कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अब देखो तो कैपिटल दो अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में जब कभी कभी डेफिसिट हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट कब होगा, जो चारों आइटम्स को मिलाकर अगर मेरा इनफ्लो जो है वो कम है, यानी कि पैसा कम आया पर गया ज्यादा, आउटफ्लो ज्यादा है, तो इसका मतलब करंट अकाउंट मेरा क्या होगा, घाटे में जाएगा। तो कभी कभी ये घाटे को पूरा करने के लिए जो अमाउंट शिफ्ट किया जाता है वो कैपिटल अकाउंट से लिया जाता है, ठीक है। तो वहां अगर सरप्लस है तो वहां से पैसा यहाँ शिफ्ट करके इसमें करंट अकाउंट को बैलेंस कर दिया जाता है, ठीक है। सो यही ये बात यही लिखी है, तो करंट कैपिटल अकाउंट इज यूज टू द फाइनेंस ऑफ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। सो देखते हैं इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो पहला जो कंपोनेंट होता है ए, वो होता है लोन्स टू एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रोड। लोन अगर लोन्स टू अब्रोड कर रहे हैं तो ये लैंड हो गया, ठीक है, लैंडिंग हो गई, एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोरोइंग हो गई। तो लैंडिंग और बोरोइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि इससे लाइबिलिटी और असेट जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द लोन्स एंड बोरोइंग्स गिवन टू और रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रोड, इट इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट सेक्टर लोन्स एंड एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर लोन। तो कोई भी अगर इंडिविजुअल ले रहा है, या गवर्नमेंट लोन ले रही है या दे रही है किसी फॉरेन कंट्रीज को या फॉरेन अब्रॉड में, तो वो जो पार्ट है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि अगर लोन लिया जा रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर लोन दिया जा रहा है तो असेट्स डेटर जो है वो इंक्लूड इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ असेट्स लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब इम्पैक्ट हो रही है। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हमारी कंट्री जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमारी असेट्स जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट मेन बाय द नॉन रेजिडेंट इन शेयर्स इन द होम कंट्री और द इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट इन एनी अदर कंट्रीज। तो या फिर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर बाहर की कंट्रीज जो है वो हमारे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर फॉरेन कंट्रीज जो है वो डोमेस्टिक कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक एफडीआई होती है और एक एफएफआई होती है, ठीक है। एफडीआई में क्या होता है, जो असेट्स होते हैं, फिजिकल असेट्स जो होते हैं, जो ऑनरशिप होती है 100%, वो क्या होती है, वो परचेज कर ली जाती है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की असेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये असेट्स जो है मालिकाना हक जो है किस पे चला जाता है, वो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन पे चला जाता है, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया है उसे पैसा देकर, ठीक है। और अगर जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर कोई फॉरेन का कोई बंदा अगर पैसा लगा रहा है, तो वो एफएफआईज होते हैं, ठीक है। इससे असेट्स इम्पैक्ट नहीं होते, पर लाइबिलिटी जो है गवर्नमेंट की बढ़ जाती है, क्योंकि ये पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। सो द थर्ड कंपोनेंट इज द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर मेंटेन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट एंड अल्टीमेटली द बैलेंस ऑफ
पीओपी। तो कभी कभी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को दोनों को जोड़ने के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी कभी घाटे में होता है। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए जो पैसा लिया जाता है वो सेंट्रल बैंक से लिया जाता है। और सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट तो फॉरेन रिजर्व्स जो है हमारे पास, यानी कि मान लेते हैं अगर इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करती है, जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसके रिजर्व्स है उनको मेंटेन करती है। तो कभी कभी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में जाता है तो इस रिजर्व्स में से पैसा जो है वो निकाल कर उस घाटे को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गवर्नमेंट की असेट्स थी जितना हमने बचा के रखा था। जब पैसा इसमें से निकलता है तो गवर्नमेंट की असेट्स क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। तो ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड की जाती हैं जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, जिसमें से लोन्स एंड बोरोइंग्स हो गई, लोन्स हो मतलब लैंडिंग हो गई, बोरोइंग हो गई, इन्वेस्टमेंट में हमने देखा एफडीआई और एफएफआई हो गया। और फिर अगर ये भी होता है कि अगर बाहर कंट्रीज के लोग जो है वो किसी इंडियन बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो वो भी कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होगा, क्योंकि इससे लाइबिलिटी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की क्या होती है, बढ़ जाती है, या तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट था। तो ये वीडियो यहीं तक है, आगे हम इसके आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।